हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आपके फ़ोन पर आप लोगों को यहाँ पे किसी ने व्हाट्सएप में यहाँ पे फ़ोटो भेजा हुआ है, और जब भी आप लोग यहाँ पे उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से प्रॉब्लम शो करता है। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रॉब्लम को यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। व्हाट्सएप को यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके आप लोगों को अपडेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग फिर से अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप में जो फ़ोटो आया हुआ है उसको यहाँ पे आप लोग डाउनलोड करके देखिए, तो यहाँ पे वो जो है डाउनलोड हो जाएगा। बट अगर फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग अपने फ़ोन पर नेटवर्क कनेक्शन को देखिए। तो अगर आपके फ़ोन पर अगर मोबाइल का डेटा ऑन नहीं है तो आप लोग उसको ऑन कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे फिर से जो है उस फ़ोटो को डाउनलोड करिए, तो आपके फ़ोन पर फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो अगर आपके फ़ोन पर अगर मोबाइल का डेटा ऑन रहता है और फिर भी आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे फिर भी फ़ोटो डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन पर सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप लिख देना है। व्हाट्सएप लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन परमिशन पे जाना है, और एप्लीकेशन परमिशन पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जितना भी परमिशन मांग रहा है, जो भी परमिशन आपको मांगता है, तो सारे परमिशंस को आप लोगों को अपने फ़ोन पर अलाउ कर देना है। तो सभी परमिशंस को आप लोग अपने फ़ोन पर अलाउ कर दीजिए वन बाय वन क्लिक करके इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मोबाइल का डेटा और वाईफाई को दोनों को इस तरीके से इनेबल करना है, और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स अपने फ़ोन पर करेंगे, तो उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन पर जो फ़ोटो है वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।